इस हफ्ते हमने इंडियन सिनेमा की दो खूबसूरत पर्सनालिटीज़ और बेहतरीन एक्टर्स को अलविदा कहा है, लेट ऋषि कपूर एंड लेट इरफान खान। एज इट इज सेड, बेस्ट वे टू रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट इज टू रिमेंबर देयर आर्ट। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द मूवी द डे। इट इज द ओनली मूवी जिसमें ऋषि कपूर एंड इरफान खान ने साथ में काम किया है। खींच, मामला मत खींच। डी डे इज एन एक्शन थ्रिलर मूवी जिसके डायरेक्टर हैं निखिल अडवाणी और सिनेमाटोग्राफर हैं तुषार कंजीरे। दिस वीडियो इज मोस्टली इन हिंदी बट यू मे प्लीज टर्न ऑन इंग्लिश सबटाइटल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस वीडियो में जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे वो है हाउ टू शूट अ हॉरर और अ थ्रिलर मूवी, टाइप ऑफ लाइटिंग, टाइप ऑफ शॉट्स, कैमरा एंगल्स एंड कैमरा मूवमेंट्स। जहाँ जहाँ पे सस्पेंस और इंटेंसिटी क्रिएट करनी होती है वहाँ यूज़ करी जाती है लो की लाइटिंग, मतलब मेजॉरिटी ऑफ फ्रेम विल बी डार्क विद स्ट्रॉन्ग शेडोज। तो हमारे लोगों की तरफ बढ़ता हुआ खतरा बहुत कम हो जाता है। हैदराबाद में एक एक्शन, दैट मीन्स सिर्फ सब्जेक्ट पे लाइट होगी, वो भी स्पेशली उसकी आईज और लिप्स के पास, बिकॉज मेन एक्सप्रेशंस यहीं से डिलीवर होते हैं। टाइप ऑफ शॉट्स, शॉट्स यहाँ पे मोस्टली एक्सट्रीम क्लोजअप यूज़ करे गए हैं सो दैट हम एक्सप्रेशंस की डिटेल देख सकें एंड इंटेंसिटी बिल्ड हो सके। इस मूवी में एक नॉट सो कॉमन टेक्निक यूज़ करी गई है, दैट इज़ ओवरलैपिंग एंड स्ट्रॉन्ग फोरग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब है वो सारी चीज़ें जो कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में होती हैं। इस मूवी में काफ़ी सारे सीन्स में एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग फोरग्राउंड यूज़ किया गया है। स्ट्रॉन्ग फोरग्राउंड का मतलब कि आप उस चीज़ को काफ़ी आसानी से नोटिस कर सकते हैं और कई बार वो फोरग्राउंड पूरी स्क्रीन को कवर कर देता है, यानी वो कैमरा और सब्जेक्ट को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से हम सब्जेक्ट को नहीं देख पाते। दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। डर जाऊंगा। सुना है उसे कराची भेजा गया है, कहीं आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है? कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट? ऐसा क्यों किया जाता है? मान लीजिए आप कोई चीज देख रहे हैं और अचानक से कोई चीज उसके सामने आने लगे और आप उसको हटा नहीं सकते, तो आप जिस चीज को देख रहे थे आप कोशिश करेंगे कि आपका सारा ध्यान और सारा फोकस उस चीज पे रहे। यही तो टेक्निक है टू गेट योर मैक्सिमम फोकस एंड अटेंशन। कैमरा मूवमेंट एंड कैमरा एंगल्स, थ्रिलर और हॉरर मूवीज में काफ़ी कॉमनली यूज शॉट है पॉइंट ऑफ व्यू शॉट और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। इस शॉट को इस तरीके से लिया जाता है जैसे कि कोई आंखें उस सीन को देख रही हैं। इसको अक्सर सस्पेंस और डर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैमरा मूवमेंट पूरी मूवी में फ्री हैंड और जर्की यूज़ करी गई है। इवन कि जिन शॉट्स में कोई मूवमेंट नहीं है और सब्जेक्ट भी स्टिल है, आप नोटिस करेंगे कि कैमरा वहाँ भी मूव कर रहा है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड हैंड हेल्ड मूवमेंट और हैंड हेल्ड इफेक्ट। शूटिंग अ कम्प्लीट मूवी ऑन हैंड हेल्ड कैमरा इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड वेरी रिस्की। तभी ये इफेक्ट मोस्टली एडिटिंग में ऐड किया जाता है। ओनली एक्शन सीन्स आर शॉट हैंड हेल्ड बिकॉज उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। एक्शन सीन से याद आया, वन ऑफ माई फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस दैट आई एवर शॉट दैट टू हैंड हेल्ड। प्लीज डू हैव अ लुक।
Shout out to my friend Shivraj Singh, because of whom I got interested in learning cinema. If you have any questions or doubt, please do comment. If you like the video, please like, do subscribe and hit the bell icon. Hope you learned something from this video. Until next time, take care, keep learning, bye bye.